नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है इस नए चमचमाते पॉडकास्ट के ऊपर, जिसका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट। और मैं हूँ आपका अपना यारा जिगरा सखा दोस्त रितेश उर्फ वॉइस वन। नया पॉडकास्ट है ये, मार्क करता है हमारी एक नई सीरीज की स्टार्टिंग, जिसका नाम है #automotivestand, जहाँ हम बात करने वाले हैं वेरियस टाइटन्स, प्रोडक्ट्स, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑटोमोटिव सेक्टर, जिसके अंदर हम गाड़ियों से रिलेटेड जो सेक्टर है इस पूरी दुनिया का, उस सब की न्यूज़ आपको आके बताएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे, आपका दिमाग बड़ा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पॉडकास्ट। फर्स्टली, एन ऑटोमोटिव जायंट इज डिफाइंड एज अ लार्ज सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑटोमोटिव और मोटर व्हीकल मर्चेंडाइज। देर आर वेरियस ऑटोमोटिव जायंट स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम इन द सब्सिक्वेंट एडिशन टू दिस सीरीज। The first one is the Volkswagen Group. It was started in 1937 by the German Labour Front, aka the Workers' Union of the Nazi German era, aka started by Adolf Hitler. Adolf Hitler, on the account of inauguration of the Wolfsburg Manufacturing Facility, aka the current headquarters of Volkswagen Group. जो भी वोक्सवैगन की गाड़ी आप देखते हो पूरे ग्लोब में, इंडिया में भी वोक्सवैगन की गाड़ी है, जैसे वेंटो, पोलो, फिर अमेयो। There are a lot of cars of Volkswagen throughout the world which are sold on a daily basis, which are serviced on a daily basis. तो ये जो सारी गाड़ियाँ, इनका जो हेडक्वार्टर है Volkswagen Group का, it is situated in the Wolfsburg manufacturing facility in Germany, which was started by the German Labour Front, which was initiated by the Nazi Party, which was initiated by Adolf Hitler. तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, आई नो, बट ट्राई एंड प्रोसेस इट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो लेट्स कंटिन्यू। जो वोक्सवैगन फैसिलिटी की इनॉग्रेशन जिस दिन हुई थी, उस दिन एडोल्फ हिटलर ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी, बहुत बहुत बड़ी स्पीच दी थी, और उसमें से मैं एक आपको छोटा पार्ट अभी बताता हूँ। ही सेड दैट आई हैड अ ड्रीम ऑफ इनेबलिंग जर्मन फैमिलीज टू ओन देयर फर्स्ट कार हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एंड दैट दीज मोर देन 6,500 वर्कर्स स्माइल टूडे रिप्रेजेंट द ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ आर इमेजिनिंग्स एंड एस्पिरेशंस। ये एक पार्ट है स्पीच का, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि जो 60,500 वर्कर्स थे उस टाइम पे वोल्फ्सबर्ग की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन, और जो उनकी खुशी थी, जो उनकी हंसी थी, दैट रिप्रेजेंटेड अ ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ एडोल्फ हिटलर्स एंड द पार्टीज इमेजिनेशंस एंड एस्पिरेशंस। The Volkswagen name translates to Das Auto in Germany, जो literally मतलब उसका है कि the people's car. The ideology of a car for the masses conceptualized, designed, developed and manufactured by the masses is one of the driving spirits of Volkswagen principles and was initiated by the commonalities who joined in for producing the people's car in 1937. सोचो 1937, it's more than, अगर मैं count करूँ तो 1937 से 2022, it's around, it's more than 85 years old. जो फैक्ट्री शुरू की थी, इट्स मोर देन 85 years old, और स्टिल इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज। इट वॉज अपडेटेड, ऑफकोर्स उसे अपडेट किया गया था, बट इट्स स्टिल 85 years old. That still blows my mind. And it continues till today, like, wow. The German dictator and head of the Nazi regime, Adolf Hitler, was a visionary and facilitated in construction of many pioneering inventions in his regime. Like, jo acoustic torpedoes hai, jo aajkal hum use karte hai, torpedo missiles in the submarines, that was made by the German Navy and the Nazi Air Force together. They had tested it. Surprisingly, the Fanta orange drink, jo Fanta aap har roz peete ho, jaake ek bar नाजी गवर्नमेंट को थैंक यू बोल किया उसकी, लाइक उसका इन्वेंशन फैंटा ऑरेंज ड्रिंक का नाजी जर्मनी ने, नाजी रेजीम ने ही किया था। द जर्मन सुपर हाईवे कॉल्ड ऑटोबान्स एंड द फर्स्ट वर्किंग हेलीकॉप्टर्स एंड द पीपल्स कार वोक्सवैगन टाइप वन, और जिसे हम कॉमनली जानते हैं वोक्सवैगन बीटल ये नाम से। द वोक्सवैगन टाइप वन और द बीटल वॉज द फर्स्ट कार क्रिएटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्फ्सबर्ग फैसिलिटी। Created as a murderous dictator's dream, it was set with numerous standards throughout the production. जो उसके थोड़े फार पॉइंट्स थे, जो एडोल्फ हिटलर ने बताया था कि इतना इतना होना चाहिए इस कार में, दोज आर क्वालिटी, कम्फर्ट, रिलायबिलिटी, ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, बींग स्टाइलिश वाइल मेंटेनिंग यूटिलिटेरियन ईजेस,
इफ इट ऑल इट ब्रेक्स डाउन इट कैन बी फिक्स्ड विथ सिंपल टूल्स। ऑल्सो जो इसकी चीपनेस की फैक्टर थी, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए गाड़ी। इट शुड बी चीप इनफ सो दैट द जनरल पब्लिक कैन बाय देम। द इनिशियल कार वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज बाय द रेस ड्राइवर एंड इंजीनियर मिस्टर फर्डिनैंड पोर्शा, द पोर्शा 911 पोर्शा वाले पोर्शा। ओके, जो पोर्शा 911 गाड़ियाँ हम देखते हैं, पोर्श 911, सॉरी मेरा एक्सेंट थोड़ा बुरा हो गया था। ड्यूरिंग द 1930s मिस्टर पोर्शा वॉज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ स्मॉल कार सूटेबल फॉर एन एवरेज फैमिली। उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी स्क्रैच से बनाने का शुरू किया था। उन्होंने शुरू किया था एक छोटी कार जिसे उन्होंने एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेके बनाया था, और उसका नाम था वोल्क्स ऑटो। अप्लाइंग हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड पॉपुलर मेथड्स टू क्रिएट दिस मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग लाइक एयर कूल्ड रियर इंजन, जो आजकल बहुत सारी पोर्शास में नहीं मिलता, इट्स वाटर कूल्ड नाउ, बट टिल 1980s या फिर अर्ली 90s तक ऑल द पोर्शास एवर मेड वेर हैविंग एयर कूल्ड रियर इंजन्स, जो फ्लैट इंजन्स पोर्शा के बहुत फेमस है। फ्लैट सिक्सेस पोर्शा में बहुत ज़्यादा रहते हैं। द टॉर्शन बार सस्पेंशन एंड द राउंडिंग ऑफ कार्स डिज़ाइन फॉर द एरोडायनामिक एडवांटेजेस। तो ये जो गाड़ी थी बीटल, अगर आप अभी भी देखते हो, बहुत ज़्यादा गोल गाड़ी है, इट्स वेरी क्यूट लुकिंग। ऑल्सो इसका नाम भी इसीलिए उसे दिया गया था बिकॉज इट लुक्ड लाइक अ बीटल, और द जर्मन पीपल एसोसिएटेड इट विद अ स्मॉल क्यूट बीटल। ओके, इन 1934 स्टिल इन द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन द कार केम इन टू द नोटिस ऑफ एडोल्फ हिटलर। जिनको लगता था कि जो जर्मन फैमिलीज है उन्होंने गाड़ी अफोर्ड करनी चाहिए, उन्होंने ये गाड़ी देख ली एंड ही वॉज लाइक वाह, मतलब ये वी कैन यूज दिस डिज़ाइन, वी कैन प्रोड्यूस दिस कार फॉर पोर्शा, वी कैन गिव हिम सम रॉयल्टी, वी कैन गिव हिम सम मनी फॉर हिस डिज़ाइन एंड हिस कॉन्सेप्ट। तो थ्रू दीज यूनाइटेड थाट्स ऑफ द पीपल्स कार वॉज दस क्रिएटेड अ पार्टनरशिप थ्रू विच द गवर्नमेंट प्रोड्यूस द कार इन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड वोल्सबर्ग फैक्ट्री स्टार्टिंग इन 1938। द VW82E लेटर रीनेम्ड द बीटल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स टू बी डेवलप्ड विद द एड ऑफ अ विंड टनल दैट द जर्मन एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स एक्सक्लूसिवली यूज। द कार वॉज पुट थ्रू रिगरस टेस्ट एंड अचीव्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिलियन माइल्स ऑफ टेस्टिंग बिफोर बींग शोकेस्ड टू द पब्लिक। द न्यू फैक्ट्री वॉज सराउंडेड बाई अ न्यू टाउन नेम्ड वोल्सबर्ग विच हैड बीन पर्पसली बिल्ट फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स। इट हाउस्ड मेनी न्यू इन्वेंशन इन द कमिंग ईयर्स। द फर्स्ट टाइप वन बीटल कैब्रियोले वॉज प्रेजेंटेड टू हिटलर ऑन 20th अप्रैल 1944 एज अ गिफ्ट फॉर हिज 55th बर्थडे विच ही फॉन्डली ड्रोव और वॉज ड्रिवन इन टिल हिज डेथ। ड्यूरिंग द वॉर द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड व्हीकल्स लाइक टाइप 82 कूबल वैगन और द बकेट कार, the amphibious swim wagon and equipment for the war effort. This crucial involvement of the Volkswagen factory led to it being bombed by the American forces in April 1945. In April 1945, World War II खत्म होने को आ गया था and the US forces had suddenly entered the war, the World War II, because they were bombed by the Japanese forces near Pearl Harbor. ऑल्सो द अमेरिकन फोर्सेज सब्सिक्वेंटली हैंडेड ओवर द फैक्ट्री टू द ब्रिटिश आर्मी। इसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी, जो वोल्फ्सबर्ग फैसिलिटी, जो टाउन था, उसकी सारी प्रॉपर्टी वॉज हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश आर्मी। मिस्टर हाइंस नॉर्डॉर्फ, अ फॉर्मर सीनियर मैनेजर एट ओपिल, इन द फ्यूचर ईयर्स बिकेम अ सेवियर ऑफ द फैक्ट्री, रीबिल्ट इट विथ केयर एंड जेंटलनेस एंड स्टीयर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर कार्स इन द फैक्ट्री, बीटल, वोक्स वैगन कैंपर वैन एंड VW कार्मन गिया स्पोर्ट्स कार। जो ये तीन गाड़ियाँ थी, दे वर प्रोमिनेंटली बींग बिल्ट आफ्टर द वॉर ईयर्स। द फैक्ट्री वॉज ऑफर्ड टू मेनी बिजनेस टाइकून्स लाइक हेनरी फोर्ड द सेकेंड, हु डिक्लाइंड द डील बाय सेइंग दैट आई डोंट थिंक वॉट वी आर बींग ऑफर्ड इज वर्थ अ डैम। इन फ्यूचर ईयर्स वोक्सवैगन प्रोड्यूस्ड मेनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज एंड कार्स एंड रिवाइज्ड इट्स ब्रांड इमेज इन टू टूडेज ऑटोमोटिव जॉइंट। द ऑल टाइम फेमस वोक्सवैगन मॉडल्स इंक्लूड वोक्सवैगन बीटल प्रोड्यूस फ्रॉम 1938 टिल 2003, वोक्सवैगन बस प्रोड्यूस फ्रॉम 1950 टिल प्रेजेंट डे, अभी भी बन रही है वोक्सवैगन की जो कैंपर बस है, कैंपर वैन, इट्स स्टिल बीइंग मेड इन 2022 एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1950। द वोक्सवैगन गोल्फ एंड शिरोको प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1974 टिल प्रेजेंट डे, अभी भी बन रहे वोक्सवैगन गोल्फ एंड वोक्सवैगन शिरोको। वोक्सवैगन जेटा प्रोड्यूस फ्रॉम 1979 टिल प्रेजेंट डे,
वोक्सवैगन जेटा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ी है। इट्स वन ऑफ दोज लाइक लो लाइंग वोक्सवैगन्स जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है जेटा। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड के पास वोक्सवैगन जेटा है एंड आई लव द कार। वाइट कलर की गाड़ी है यार, लेनी है लेनी है। तुम लोग सब्सक्राइब करो, ऊपर एक रेड साइड में तुम्हें अभी सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो। वीडियो जल्दी से जाके नीचे लाइक कर दो, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, थोड़ा मोनेटाइजेशन लाओ चैनल को, थोड़ा फेमस बनाओ चैनल को, सो दैट एक दिन ये सारी जो ड्रीम कार्स मैं इस ऑटोमोटिव स्टैंड सीरीज के ऊपर आपको बताने वाला हूँ, एक दिन हम खरीदेंगे भाई कुछ ना कुछ तो। द वोक्सवैगन पसाट फ्रॉम 1973 टिल प्रेजेंट डे, वोक्सवैगन पोलो प्रोड्यूस फ्रॉम 1975 टिल प्रेजेंट डे। वोक्सवैगन पोलो, वोक्सवैगन पसाट दोनों जो गाड़ियाँ हैं दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ऑफ नाउ एंड दे आर वेरी फेमस इंथूजियस्ट कार्स। बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होती है ये गाड़ी इंडिया में, वोक्सवैगन पोलो स्पेशली। वोक्सवैगन पोलो के स्पेशल वर्जन्स भी है इंडिया में, जैसे कि GTI है, TSI GTI करके वोक्सवैगन पोलो बहुत ज़्यादा फेमस है। जो कार नर्ड्स होंगे इस पॉडकास्ट के लिसनर्स, दे विल ऑल एग्री विथ मी कि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है वो। द ब्रांड्स फर्स्ट एक्विजिशन वॉज ऑटो यूनियन एंड NSU मोटन वर्क्स AG, द प्रेडेसेसर टू द लग्जरी डिविजन ऑफ वोक्सवैगन ग्रुप ऑडी। या जो ऑडी कंपनी हम लोग जानते हैं आजकल, द फोर रिंग्ड जिसका लोगो है, चार बांगड़े। ओके, इट वॉज फर्स्टली लाइक इन इट्स अर्ली ईयर्स बिफोर द वॉर इट वॉज कॉल्ड ऑटो यूनियन एंड NSU मोटन वर्क्स AG। द ब्रांड लेटर ब्रॉड स्टेक्स इन वेरियस कंपनीज लाइक सियाट। 1986 में उन्होंने सियाट कंपनी के स्टेक्स खरीदे थे, स्कोडा 1994 में, बेंटली, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी। या जो लाइक तीन तुम्हारी लाइक टॉप कार्स रहती है ना, दे आर ओन्ड बाय वोक्स वैगन एंड दे वर ब्रॉट इन द वोक्स वैगन अम्ब्रेला इन 1998। स्कैनिया इन 2008, डुकाटी बाइक्स, वापस एक बार तुम्हारी फेवरेट चीज़ वोक्स वैगन ही खरीद चुकी है, डुकाटी बाइक्स, मैन बसेस एंड ट्रक्स एंड पोर्शा इन 2012। जो पोर्शा ब्रांड है, 911 वाला, मकान वाला, कायन वाला, लाइक जो भी पोर्शा ब्रांड है, इट्स बींग मेड इन द वोक्स वैगन अम्ब्रेला नाउ। और जो एक दो तीन चाइनीज ब्रांड्स हैं, द फर्स्ट वन इज FAW वोक्स वैगन और साइक, SAIC साइक वोक्स वैगन, जो एक चाइनीज ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन जैसा था, जिसके अंदर दोनों कंपनीज ने खुद के अराउंड लाइक 50-50% स्टेक्स खरीद के रखे हैं। दे बोथ हैव स्टेक इन ईच अदर। इट्स अ वेरी वियर्ड बट इट वर्क्स, और लाइक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यही हो रहा है आजकल। दीज एक्विजिशन हेल्प्ड द कंपनीज ऑन बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड प्रोड्यूस्ड सम फिनोमिनल प्रोडक्ट्स लाइक एवरी लैम्बोर्गिनी सिंस 2001, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैम्बोर्गिनी मुर्सिया लागो। एज ऑफ जुलाई 2022, इट्स हेडेड बाय द फ्लैगशिप लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर अल्टिमे। लाइक 2001 में सबसे पहली वोक्सवैगन ने बनाई हुई लैम्बोर्गिनी थी लैम्बोर्गिनी मुर्सिया लागो, जो युवराज सिंह के पास एक है एज पर माई नॉलेज, उनके पास एक ऑरेंज कलर की लैम्बोर्गिनी मुर्सिया लागो है। और अभी 2022 की फ्लैगशिप लैम्बोर्गिनी मॉडल है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर अल्टीमेट। द एवरी ऑडी सिंस 1965, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडी F130 सीरीज टू द करंट फ्लैगशिप ऑडी A8 लिमुजीन। एवरी बेंटले सिंस 2001, स्टार्टिंग विद द बेंटले कॉन्टिनेंटल GT टू द करंट फ्लैगशिप बेंटले मुल्सान। एवरी बुगाटी सिंस 1998, स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटिंग बुगाटी वेरॉन टू द करंट हाई स्पीड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग कार बुगाटी शिरॉन 300+। एवरी डुकाटी सिंस 2012, स्टार्टिंग फ्रॉम डुकाटी 119 सुपर बाइक टू द प्रेजेंट डे फ्लैगशिप डुकाटी पैनिगेल V4R। सरप्राइजिंगली इवन आफ्टर सेलिंग न्यूमरस प्रोडक्ट्स सिंस 1938, रेंजिंग फ्रॉम बाइक्स टू डेली कम्यूटर कार्स, द बेस्ट सेलिंग वोक्सवैगन प्रोडक्ट इज इट्स करीवर्स सॉसेज। It's being sold since 1973 and has sold around 850 million units and is still being sold and produced at a rate of 20,000 sausages per day. The unique dish was created by the workers of the Wolfsburg facility in 1973 for the working staff to eat in the lunchtime. It was made available to the masses in the 1970s and has a unique part number to it. जो गाड़ियों के पार्ट्स रहते हैं उसको एक स्पेसिफिक पार्ट नंबर रहता है, लाइक योर हेडलाइट ऑन द कार हैज़ अ पार्ट नंबर, द स्टीयरिंग व्हील दैट योर कार हैज़ अ यूनिक पार्ट नंबर। वैसे ही वोक्सवैगन ने अपने सॉसेज को एक यूनिक पार्ट नंबर दे के रखा है।
दिस ब्रांड वैल्यूड एट नथिंग इन 1945 स्टेप्ड अप द लैडर्स ऑफ सक्सेस अंडर फ्लरिशिंग लीडरशिप एंड यूनाइटेड वर्कर स्पिरिट एंड वॉज वैल्यूड एट ओवर 229 बिलियन US डॉलर्स इन मार्च 2022. लेट अस होप फॉर अ पॉजिटिव एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर द फेवरेट ब्रांड एंड थैंक देम फॉर द ब्यूटिफुल कार्स एंड आइडियाज दे पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग देयर अराउंड 84 ईयर्स ऑफ लेगेसी. सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट गाइज. ऑल्सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर स्पॉटिफाई या फिर किसी और पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, हमें एक अच्छी रेटिंग दीजिए और ऑल्सो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर नीचे बताइए यार. कॉमेंट कोई कर नहीं रहा है, तुम सब देख के जाते हो. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, रीच बढ़ाओ, शेयर करो. Also, please tell me if you wish for me to make a solo podcast like this once in a while. Also, with the usual candid chats going on. Till next time, this is Voice One signing off. Peace out.